फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अपनी कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे कि अभी मौसम का चेंज ऐसे हो रहा है ना, जैसे किसी इंसान का मूड पल भर में बदलता है। कभी गर्मी हो रही है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और तो इससे हम ड्राई स्किन वालों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है। और इससे भी पहले मैंने कुछ हेयर के लिए आप लोगों को जो बताई थी वो सबको बहुत पसंद आई। बहुत सारी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मैं अपने हेयर को कैसे मैनेज करती हूँ इस ठंड में और क्या लगाती हूँ। तो हमारे किचन में ही बहुत सारे सीक्रेट, हमारे ब्यूटी सीक्रेट सारे किचन में हमारे अवेलेबल है। तो चलिए, अब मैं नहाने से पहले सोची कि आप, मैं लगाने जा रही थी तो अचानक याद पड़ा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और इस ठंड में अपनी स्किन को स्मूथ, शाइनिंग और ग्लोइंग करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जिसकी इनकी स्किन ड्राई है वो इस ठंड में, जो कभी मौसम ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी ठंड बढ़ रही है तो कभी बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी फेस पैक बनाई है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ, वो लगा के भी मैं दिखाऊँगी कि कैसे वो काम करता है और उसके बाद भी वो कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं किचन में। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक चम्मच ये दही रखी है, और इस दही में मैं एक चम्मच बेसन डालूंगी। और पता ही है कि ड्राई स्किन के लिए दही कितने फ़ायदे करती है। दही से हमें जो भी अगर सन टैन होता है वो भी दही लगाने से ख़त्म हो जाता है, और दही से ड्राई स्किन वालों के चेहरे पे बहुत अच्छी सॉफ्टनेस भी आती है। तो दही में एंटीकोलामाइन भी है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जितनी गंदगी है वो साफ हो जाती है, दही बहुत अच्छे से उसे क्लीन कर देता है। और बेसन तो सबको पता है कि हम सदियों से अपने चेहरे पर लगाने के लिए बेसन का उपयोग करते हैं, ये हमारी दादी माँ लोग के समय का भी नुस्खा है। और इसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद ये कॉफ़ी का, ये 2 रुपये का पाउच है, ये बहुत काम का पाउच है। तो इसमें आपको जितना डालना है उतने अंदाज से डालिए कि, और उसके बाद ये ग्लिसरीन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तो आप ग्लिसरीन डालिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस ग्लिसरीन को स्किप कर सकती हैं। अब इसमें इसको डाल करके, अब इसमें 2-4 बूंद इसमें हम ग्लिसरीन का डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं चेहरे पे ही लगा करके कि कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। क्योंकि कॉफ़ी से हमारे फेस को, कॉफ़ी बहुत अंदर तक जा करके और क्लीन करती है। और जैसे कॉफ़ी के, अभी कॉफ़ी फेशियल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो अगर हम पूरा फेशियल ना करके सिर्फ अपने पैक पे इसको यूज़ करें तो भी इसका असर बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए पहले मिक्स कर लेती हूँ सबको। अब देखिए ये अच्छे से हमारी फेस पैक तैयार हो गई है, तो जो बहुत ही काम की फेस पैक है। तो चलिए अब दिखाते हैं कि इसे हम लगाते कैसे हैं। तो इसे हम पहले लगा करके और 10 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इसे मसाज करते हुए और इसे क्लीन करेंगे, तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि इसका क्या असर होता है। तो अभी मैं इसे चारों तरफ से इस तरह, ऐसे भी ना कॉफ़ी बहुत, अगर आप जैसे बेसन से आपको एलर्जी है तो आप बेसन को भी स्किप कर सकते हैं और सिर्फ कॉफ़ी को। मैं एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी कॉफ़ी फेशियल, वो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी और बहुतों को पसंद आई थी वो कॉफ़ी फेशियल। तो आप अगर आप बेसन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बेसन से आपको एलर्जी है, क्योंकि बहुतों को बेसन से एलर्जी हो जाती है, तो आप कॉफ़ी को सिर्फ हनी के साथ यानी कि मध के साथ भी आप कॉफ़ी को लगा सकते हैं, तो जो कि बहुत अच्छा काम करता है ड्राई स्किन के लिए हो जाती है। तो चलिए अब मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि पैक लगाने के बाद नहीं बोला जाता है। तो 10 मिनट में से पहले सूखने के लिए बोले, अब इसी तरह चेहरे पे लगाने के बाद जो बचा था उसे मैंने हाथों पे लगा लिया, क्योंकि हाथ भी ना ठंड में क्या होता है ना कि हम धूप में बैठते हैं तो उससे हमारे हाथ भी बहुत काले हो जाते हैं। अब 10 मिनट के लिए से इसी तरह पूरे हाथ पे भी लगा करके और सूखने के लिए छोड़ देंगे।
सबको बढ़िया से लगा करके और गाना गाइए, गाना गाते गाते ये सूख जाएगा। अब ये देखिए मैं नहा करके भी आ गई और ये हाथ मेरे देखिए और ये स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। तो और कुछ आपको जो भी मॉइस्चराइजर लगाने का मन है आप वो मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं, लेकिन मैं तो हमेशा नारियल का तेल लगाती हूँ। तो ये नारियल तेल, दो बूंद नारियल तेल लेके पूरे हाथों में और चेहरे पे इसे मल लीजिए। तो देखिए बिना कोई खर्च के बहुत अच्छी ये फेस पैक अपने चेहरे को दीजिए और मात्र 2 रुपया खर्च करके। तो चलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके किचन के खजाने से निकाल निकाल के और आपको अच्छी अच्छी